हेलो एवरीवन, शाम के हो रहे हैं 5:30। मैं अपने किचन में रात की तैयारी में लग गई हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, आज मैं फुल फ्लेज्ड रात का डिनर बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आज मैंने सोच रखा है कुछ ऐसा चीज़ बनाऊँ जो बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाए। आज मैं बनाने वाली हूँ वर्मीसेली उपमा, जो मुझे पसंद है, मेरे बेटे को पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी सी तैयारी करने के बाद मैं टीवी में शपथ ग्रहण समारोह देखने लगी। टीवी देखते देखते मुझे 8:30 बज गए। मैं अपनी किचन चली, मैं अपने डिनर की तैयारी में लग गई। वर्मीसेली उपमा बहुत ही आसानी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी डिश है। यदि आपको ये डिश कैसी बनती है ये जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। मेरा डिनर लगभग तैयार हो चुका है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, उनको मैं बना के पिलाई मिंट मजीटो। ये बहुत ही आसानी से घर में बनने वाला स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद शरबत है। इसे मैं कैसे कैसे बनाई चलिए आपको बताते जाती हूँ। 1 ग्लास पानी में पुदीने के पत्ते को डाल के उबाल के ढक के उसे ठंडा कर लें। फिर उसमें लगभग 1/2 कप चीनी डाल के उसका शरबत बना के रख दें। जब कोई गेस्ट या किसी को पिलानी हो तो ग्लास में सबसे पहले आप थोड़ा सा काला नमक लें, उसमें थोड़ा सा सोडा डालें, थोड़ी सी नींबू का रस और तैयार की हुई चीनी वाली पुदीने की पानी को डाल के आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और गर्मी में इसे पीने के बाद तो जैसे तरोताज़ा महसूस होने लगता है। जैसे मैं बताई, मेरे हस्बैंड को वर्मीसेली उपमा बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके लिए मुझे रोटी बनाना ही पड़ा। डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं किचन में चली आई। सबसे पहले मैंने किचन के प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया। मैंने सारे धोए और सूखे बर्तन को बर्तन वाली टोकरी में रख दिया। मेरी लगभग रोज की कोशिश रहती है कि रात को सोने के पहले मैं किचन के प्लेटफॉर्म और अपने गैस स्टोव को बिल्कुल साफ़ करके सोऊं। इस तरह की आदत से किचन में गंदगी भी कम रहती है और कॉकरोच भी बहुत कम होता है। रात के सारे जूठे बर्तनों को धो के मैंने किचन सिंक को भी बिल्कुल खाली कर लिया। मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है ताकि मैं जब सुबह उठूं तो मुझे एकदम क्लीन और क्लियर किचन मिले। सारे काम ख़त्म करते हुए मुझे रात के 9:30 बजे आ गई मैं अपने छत पे। रात को छत के ऊपर से नज़ारा कितना सुंदर दिखाई देता है, देखिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरी मधुमालती की पेड़। इस पे जब कैमरे का फोकस पड़ा तो इसकी फूल देखिए किस तरह से जगमगा उठी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये मेरे कपड़े को हिलते हुए देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से हल्की हल्की बिल्कुल मधुर मधुर हवा है। इच्छा ही नहीं होती नीचे गर्म में कमरे में जाऊं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी देखिए सुबह के हो रहे हैं 6:45। पिछले शाम से रात तक का रूटीन आप लोग को दिखाई, अब मेरे सुबह की क्या रूटीन है ये आपको बताती हूँ। सुबह का क्लिप मैं आपको दिखाई। बाहर हल्का हल्का रोशनी आ चुका था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। मैं अपने लिए 1 ग्लास गर्म पानी चढ़ाई, उसे पी के ही मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलती हूँ। आप भी सुबह खाली पेट में गर्म पानी के साथ नींबू और हनी डाल के पीने की आदत बनाएं। ये आपके शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालता है, पर मुझे लेमन और हनी कुछ भी सूट नहीं करता, इसलिए मैं थोड़े गुनगुने पानी ही पीती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे से पहले ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं। मैं उठ के पानी पी के फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चली। मैं भी 1/2 घंटे मॉर्निंग वॉक करके वापस आ जाऊँ।
जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे बेटे की छुट्टी है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड अभी वापस नहीं आए हैं, वो भी आते ही होंगे। मैंने सबसे पहले अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा अरेंज कर लिया, अब मैं नहाने की तैयारी करूँगी। नहाने के पहले मैं लगाने वाली हूँ हाथ और पैर में उबटन। इस उबटन को मैं पतंजलि से बॉडी उबटन के नाम से खरीद के लाई थी। इसका इस्तेमाल मैं आज पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना अच्छा है। इस उबटन पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पे ना करें। यदि आपको जानना है कि ये उबटन यूजफुल है, आप भी इसे खरीदें कि ना खरीदें, तो आप ये क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ उसकी रिप्लाई आपको करूँगी। नहाने के बाद मेरा रोज का नियम है कि भगवान के सामने थोड़ा सा दिया बाती करके प्रार्थना करने के बाद ही मैं दूसरे काम को शुरू करती हूँ। मेरी पूजा खत्म हो चुकी, मैं किचन में चली आई। एक तरफ मैं चढ़ाई अपने लिए चाय, दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड के टिफिन के लिए खाना चढ़ा दी हूँ। मैं बातें करते हुए खाना बना रही। चाय के पहले मुझे पीना पड़ा एक ग्लास ज्वार के घास का रस। इस तरह से मैं अपने पूरे शेड्यूल को आप लोगों के साथ शेयर की। मेरी तरह जो हाउस वाइफ है वो भी इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।